बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की उत्तर प्रदेश में हेकरी निकाल दी योगी सरकार ने। दरअसल मंत्री मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश को भी बिहार समझकर फूलन देवी के शहादत दिवस मनाने के लिए यूपी पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने वहां पर उन्हें कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी। उनके कार्यकर्ताओं को और खुद उनके नेता मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर लिया गया। लाख कोशिशों के बाद भी मुकेश सहनी को एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया गया और यूपी से ही उत्तर प्रदेश से मुकेश सहनी बेरंग होकर बिहार लौट आए। देर रात पटना पहुंचे मुकेश सहनी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि योगी सरकार में अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि वह उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और करारा जब विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग, निषाद समाज या अन्य वर्ग के लोग, नीचे तबके के लोगों को सुना नहीं जा रहा, उनके हक अधिकार को रौंदा जा रहा है। आज हमारे पूर्व सांसद फूलन देवी जी का प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं होना, ये कहीं ना कहीं खेदजनक बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना है, योगी जी को भी सोचना है, और रहा उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति है, उनको मुबारक हो। हम तो निर्णय ले लिए हैं कि 165 सीट पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और आने वाले समय में फूलन देवी जी को हर घर घर तक पहुँचाना, उनके संदेश को, जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर जो आज का घटना है, जो हमारा उद्देश्य था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक छत्र के नीचे आए, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में निषाद समाज जागरूक है और एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। छोटा हम लोग तो पिछड़े समाज से आते हैं, संघर्ष करना हमेशा सीखा है, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जैसे आज हमने बिहार में संघर्ष करके अपनी सरकार में हमने बनाया है और बिहार में आज कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं रोक ठोक नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी सरकार है। आने वाले उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और वहाँ पे भी मूर्ति स्थापित। यहाँ के यहाँ से कोई असर पड़ने वाली बात नहीं, यहाँ मेरी अपनी सरकार है, मेरी सरकार है, निश्चित तौर पे फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनावी स्टंट बताया जा रहा है आपका, चुनाव के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, यूपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए इस तरह स्टंट कर रहे हैं। मुकेश जी बताइए कुछ। मुकेश जी बताइए, चुनावी स्टंट बताया जा रहा है, आप चुनावी फायदा के लिए कर रहे हैं। कहना था ये यूपी पहुंचे थे और लोग मना रहे थे।